हेलो दोस्तों, स्वागत है एक नए वीडियो में जहाँ आज हम बात करने वाले टाटा की नेक्सॉन गाड़ी के बारे में। भाई अगर इसके मॉडल की बात करें तो मॉडल रहने वाला था XE। इसमें हम लोगों ने कुछ मॉडिफिकेशन की है जिसके बारे में आज हम बात करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर बात करेंगे तो भाई इस गाड़ी में हम लोगों ने जो प्रोजेक्टर वाला फॉग लैम्प होना चाहिए IPS वाला, वो इंस्टॉल किया हुआ है। देख सकते हो इंस्टॉल होने के बाद में कुछ ऐसा दिखता है, और यहाँ पर सिल्वर क्रोम जो काफ़ी इस प्रोजेक्टर को और भी बेहतर बनाता है। तो फ्रंट में इसमें हम लोगों ने सिर्फ इसमें भी हेलोजन बल्ब ही इंस्टॉल किया हुआ है। अगर साइड प्रोफाइल की बात करें तो साइड प्रोफाइल देखो कुछ ये ऐसी देखने के लिए मिल जाएगी आप लोगों को पूरी एसेसरीज कंप्लीट होने के बाद में। और इस मॉडल में बात करें तो भाई पहले यहाँ पर सिल्वर पार्ट आता है, इसे ब्लैक पैंट के साथ में हम लोगों ने यूज़ किया हुआ है। उसके ऊपर जो डबल कलर वाला व्हील कवर होता है वो इंस्टॉल किया हुआ है। देखो भाई दूर से दिखाता हूँ मैं कितना बेहतर लगता है। और अगर साइड व्यू की बात करें दोस्तों तो ये देख सकते हो क्रोम लाइन वाला जो डोर वाइजर होता है वो इंस्टॉल किया हुआ है, ये भी हेवी क्वालिटी का है। और नीचे की अगर बात करें तो नीचे ये जो साइड बीडिंग होती है फुल गार्निश इसे बोलते हैं क्रोम वाली, साथ में एक डोर गार्ड भी इसमें इंस्टॉल है। अगर ऊपर की बात करें तो ऊपर देख सकते हो रूफ रेल। बैक प्रोफाइल से दिखाता हूँ एक बार गाड़ी आप लोगों को, जो सार्फिन एंटीना होता है ना ये देखो, ठीक है। अब चलते सीधे गाड़ी में अंदर और अंदर दिखाता हूँ क्या इंस्टॉल किया है। तो जैसे ही अगर डोर ओपन करेंगे तो यहाँ पर देख सकते हो ये जो नेक्सॉन बेजिंग वाली होती है कंपनी की फुट स्टेप वो इंस्टॉल की हुई है। नीचे की अगर बात करें दोस्तों तो जो फ्लोर मैट है जो वाटरप्रूफ होता है वो इसमें इंस्टॉल किया हुआ है। उसके ऊपर जो ट्रे मैट है वो इंस्टॉल किया हुआ है। स्टेयरिंग कवर देख सकते हो एक बार आप लोग, स्टेयरिंग कवर इंस्टॉल किया हुआ है। साथ ही इसमें जो 9.1 इंच का जो टच स्क्रीन प्लेयर होता है वो भी इस गाड़ी में हम लोगों ने इंस्टॉल किया हुआ है, ये देख सकते हो आप लोग। इसके कैमरे क्वालिटी चेक कराता हूँ मैं एक बार आप लोगों को, ये देख सकते हो। और पावर विंडो की बात करें भाई तो इसमें RD कंपनी की इंस्टॉल की हुई है, जो पीछे सिर्फ दो डोर में लगती है वो। ये देखो यहाँ पर हम लोगों ने इसका स्विच लगाया हुआ है RD कंपनी का, तो पावर विंडो इंस्टॉल किया। चलते हैं जिन सर की गाड़ी है उनसे जानते हैं क्या एक्सपीरियंस रहा हम लोगों के साथ में। स्वागत है सर, आप तो बताइए सर कि आपने गाड़ी कब परचेज की थी और आपने बेस मॉडल क्यों लिया था? हेलो, मेरा नाम यशवीर है, मैं एयरफोर्स में काम करता हूँ यहाँ आमला में। मैंने ये 19 अक्टूबर को गाड़ी परचेज करी, मेरे एक मित्र ने सजेस्ट किया कि ये भोपाल कार डेकोर से शॉप है, अच्छा इस पे आपने इसका जो मॉडिफिकेशन होता है मॉडिफिकेशन करवा सकते हो, अच्छा अच्छा और अच्छी शॉप है। तो मैं आगरा का, बेसिकली आगरा का रहने वाला, मैंने आगरा या दिल्ली में मॉडिफाई करवाना था लेकिन मेरे मित्र ने सजेस्ट किया नहीं, जेन्युइन शॉप है, अच्छा काम करके देती है। और मैंने इसमें ना काफी भाई ने बताया जो काम करवाया है काफी जेन्युइन काम किया है। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आप ना 900 किलोमीटर दूर जाओ, दिल्ली जाओ, यहाँ से 900 किलोमीटर पड़ता है, उतना पेट्रोल खर्च करोगे वहाँ, हो सकता है आपकी ना चॉइसेस ज्यादा मिल जाएंगी, लेकिन यहाँ जेन्युइन काम हुआ, आपका पैसा ट्रैवलिंग का भी बचता है और जेन्युइन बंदे हैं, अच्छे काम करते हैं और अच्छे से काम करते हैं। आप लोगों को मजा आया, बढ़िया। भाई इतना पूरे पूरे सर काम में आपने कितने पैसे दिए? मैंने 42,000 पे किए। मतलब वर्थ लगता है कि नहीं लगता है? नहीं, वर्थ है काम। अच्छा। तो थैंक यू सर। तो भाई लोग ये था हमारा कंटेंट, आई होप आप लोगों को हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं ऐसे ही एक अगली और नई वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।